ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा गुंसस्तनूभिर्व्यासे महि देवहितं जदायुः सतमेन्नु शरदो अन्तिदेवा जतरानश्चक्राजरसन्तनूनां पुत्रासु जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखता युर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्। जय श्री कृष्ण। मूल ग्रंथ भृगुसहिता श्री भविष्य कथन में प्राप्त आपकी कुंडली क्रमांक 56 का मूल भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद इस खंड में सुन पाएंगे। ही कुंडली असलेली श्री भाग्यवान असेल, यह राशिफल होने वाली श्री भाग्यवान होगी। तसेच आचरणाने ही चांगली असेल, यह आचरण से भी अच्छी होगी। अवश्य तेव्हा ही कठोर बनेल, जरूरत वहा यह कठोर बनेगी। घर कामाची हिला आवड असेल, गृह कार्य में इसे रुचि होगी। तिन्ही गुणांचा इच्छत मिलाफ असेल, तीनों गुणों का इसमें संयोजन होगा। इची बुद्धिमत्ता चांगल्या दर्जाची असेल, इसकी बुद्धि अच्छी गुणवत्ता की होगी। आपण ही कोणालाही त्रास देणार नाही, स्वयं से किसी को भी ये पीड़ा नहीं देगी। केलेला उपकार ही स्मरणारी असेल, किया गया उपकार याद रखने वाली होगी। इच्याकडे भरपूर पैसा येईल, इसके पास बहुत धन होगा। इच्याकडे भरपूर दागदागिने असतील, इसके पास बहुत अलंकार होगे। आयुष्यात एक कालखंड असा येईल की ज्यावेळी हिला प्रत्येक बाबतीत अपयश येईल। जीवन में एक समय ऐसा आएगा की उस समय हर तरफ से असफल होगी। इच्या हातातील सौभाग्य रेषा तुटलेली आहे, इसके हातों की सौभाग्य रेखा तुटी हुई है। त्याचा अर्थ असा की इसे वैवाहिक जीवन अपयशी ठरेल, उसका यही मतलब की उसका वैवाहिक जीवन असफल होगा। अर्थात याचे कारण इन्हें पूर्वजन्मी केलेले अपराध, हालांकि इसका कारण इसके पूर्वजन्म में किए हुए पाप है। त्या अपराधांचे प्रायचित घेतल्यास इच्या आयुष्यात येणारे हे धोके टळतील। उस पाप का प्रायचित लेने से इसके जीवन में आने वाली विपदाही नष्ट होगी, नहीं तो दुखे भोगून त्याचे प्रायचित घ्यावे लागेल, नहीं तो दुःख भुगत कर उसका प्रायचित लेना पड़ेगा। पूर्वजन्मात इच्या हातून काय अपराध झाले होते की हे करण्यासाठी मी तुला हिची पूर्वजन्माची कथा सांगतो, ती ऐक। पूर्वजन्म में इसके हास्य ऐसा क्या अपराध हुआ था वह टालने हेतु मैं तुम्हें इसके पूर्वजन्म की कथा बताता हूँ, वह सुनिए। एक सोन्याचे पान तयार करून त्यावर भगवान विष्णूची मूर्ती कोरावी। एक सोने का पत्ता बनापर उस पर भगवान विष्णू की मूर्ती बनाए। ती मूर्ती ब्राह्मणांकडून काढून घ्यावी व रक्तचंदनाने गिरवावी। वह मूर्ती ब्राह्मणों से बनाले और रक्तचंदन लगाए। एक तांब्याच्या कलशावर पांढऱ्या वस्त्राच्या साह्याने ती मूर्ती ठेवावी व तिची पूजा करावी। एक तांबे के कलश पर सफेद वस्त्र के सहायता से वह मूर्ती स्थापित करे और उसकी पूजा करे। खालील मंत्रांचा एक लक्ष जप करावा व नंतर हवन करावे, ब्राह्मण भोजन घालावे। नीचे दिए हुए मंत्र का एक लक्ष जप करे और उसके पश्चात हवन करे, ब्राह्मण भोजन दे। त्यानंतर ती मूर्ती आचार्यांना दान करावी व त्यांचे आशीर्वाद घ्यावे। उसके पश्चात वह मूर्ती आचार्य को दान करे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। मंत्र ओम ऐं ब्रीं क्लीं श्रीं शं नं नमो नारायणाय सर्वेश्वराय सर्वपापहराय तज्जनित सर्वकष्टं वारय वारय श्रेयो मे देही स्वाहा श्रीं क्लीं ब्रीं ऐं ओम। आता इन्हें या जन्मातील भविष्य कथन करतो ते एक, अभी इसके इस जन्म का भविष्य कथन करता हुआ सुनिए। वयाच्या पहिल्या 3 वर्षापर्यंत ही फार अशक्त राहील, उम्र के पहिले साल तक यह बहुत कमजोर होगी। भगवान शंकराच्या आपदुद्वारण मंत्राचा जप केल्यास इला अपमृत्यू टळेल। भगवान शंकर के आपदुद्वारण मंत्र का जप करणे से इसकी अपमृत्यू टलेगी। या काळात इच्या वडिलांना मात्र चांगले लाभ होतील। इस समय दौरान इसके पिता को मात्र अच्छा लाभ होगा। इच्या 4 ते 9 वर्षात इच्या घरात बरीच धार्मिक कार्य होतील। इसके 4 से 9 इस समय दौरान परिवार में बहुत कार्य धार्मिक कार्य होगे, त्यामुळे इच्यावर येणारी अरिष्टे टळतील। इसी वजह से इस पर आने वाली विपदाय टलेगी। इला भावंडाचे चांगले सुख मिळेल, इसे भाइयों का अच्छा सुख प्राप्त होगा।
इच्या 10 ते 12 वर्षात इच्या वडिलांना फार मोठा लाभ होईल. इसके 10 से 12 इस समय दौरान पिता को बहुत बड़ा लाभ होगा. हा काळ इलाही फार चांगला जाईल. यह समय इसे भी बहुत अच्छा जाएगा. 14 ते 20 वर्षात तिच्या बाबतीत फार चांगल्या गोष्टी घडतील. 14 से 20 इस समय दौरान इसके बारे में अच्छी घटनाएं होगी. ही विद्याभ्यासात चमकेल. यह अध्ययन में निखरेंगी. 21 से 25 वर्षात तिचा विवाह होईल. 21 से 25 इस समय दौरान इसका विवाह होगा. सासरी इसे फार कौतुक होईल. ससुराल में इसकी बहुत प्रशंसा होगी. इच्छा रूपावर व स्वभावावर इसका पति खुश असेल. इसके रूप पर और स्वभाव पर इसका पति खुश होगा. इच्छा सासरी क्लेश व भांडणे फार असतील. इसके ससुराल में क्लेश एवं झगड़े बहुत होंगे. इच्छा विरुद्ध पति से कान फुंकले जातील. इसके खिलाफ पति को भड़काया जाएगा. इच्छा पतिला फार मोठा आजार येईल. इसके पति को बहुत बड़ी बीमारी आएगी. वैधव्याचे भय निर्माण होईल. विधवापण का भय उत्पन्न होगा. अशा वेळी चंडीपाठ केल्यास या सर्व कटकटी मिटतील. ऐसे समय चंडीपाठ करणे से या सभी परेशानियां नष्ट होगी. संततीचे सोकीला चांगल्या प्रकारे मिळेल. संतान सुख अच्छा प्राप्त होगा. इला 2 कन्या व 1 पुत्र असेल. इसे 2 कन्या एवं 1 पुत्र होगा. वयाच्या 30 वर्षापर्यंत घरात एखादी शोकदायक घटना घडेल. उम्र के 30 साल तक परिवार में एखाद शोकदायक घटना होगी. यानंतर वय 40 पर्यंतचा काळ ठीक जाईल. उसके पश्चात उम्र 40 साल तक का समय ठीक जाएगा. हिला वयच्या पतीला थोडेफार आजार येतील. इसे और इसके पति को थोड़ी बहुत बीमारी आएगी. तथापि भगवान शंकराच्या आपदुद्वारण मंत्राचा जप केल्यास सर्व काही ठीक होईल. हालांकि भगवान शंकर के आपदुद्वारण मंत्र का जप करने से सभी कुछ ठीक होगा. 50 से 60 वर्षा तिला अनेक लाभ होतील. 50 से 60 इस समय दौरान अनेक लाभ प्राप्त होंगे. गावाच्या भूमीपासून इला लाभ होतील. गाँव के जमीन से इसे लाभ प्राप्त होंगे. इच्या नातवाचा जन्म होईल. इसके पोते का जन्म होगा. नौकर चाकरांचे सुख मिळेल. नौकरों का सुख प्राप्त होगा. मी सांगितलेले उपाय केल्यास वंद राहणे व वैधव्य येणे या दोन्ही आपत्ती टळतील. मैंने बताए हुए उपाय करणे से बंजारा राहणं और विधवापण राहणं ये होणे वाली विपदाय टळेंगी. इसे आयुष्य 67 वर्ष असेल. इसका 67 साल जीवन होगा. ज्येष्ठ महिन्याच्या वद पंचमीला दिवसाचे निधन होईल. ज्येष्ठ महिने के वक पंचमी को दिन में इसका निधन होगा. मृत्यूनंतर लगेच हिला पूर्वजन्म मिळेल व तो जन्म राजवंशात असेल. मृत्यू पश्चात शीघ्रही इसे पूर्वजन्म मिलेगा और वह जन्म राजवंश में होगा. जय श्री कृष्ण.